हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पे बता दूंगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हो कि पार्टनर को अपने कमी का एहसास कैसे दिलाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपका जो पार्टनर है ना, उसके लिए आप कितना प्रायोरिटी रखते हो। इस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कमी है उसका उसको सच में कितना एहसास होने वाला है। अगर आप उसके प्रायोरिटी में हो तो ज़रूर आपको लेके वो इस कमी को महसूस करेगा या करेगी। लेकिन अगर आप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो, अगर आप उसके लिए वैल्यूएबल नहीं हो, तो वो कभी नहीं कर सकता है इस चीज़ को महसूस। ठीक है, चाहे आप उसको स्पेस दे दो, चाहे आप उसको कितना भी वक्त दे दो, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपसे, आपके होने ना होने से। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं कि अगर हम उससे बात नहीं करेंगे, अगर हम उससे कांटेक्ट नहीं करेंगे, नो कांटेक्ट रूल को फॉलो कर लेंगे, तो उसको कमी का एहसास हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन वो फिर से जब आप उसके लिए अवेलेबल हो जाते हो ना, वो चीज़ फिर से हट जाता है, फिर वो आपको लेके कैजुअल हो जाएगा, क्योंकि उस इंसान के लिए आप सच में मैटर नहीं करते हो। और हम क्या करते हैं ना, हम सच को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमको ऐसा है कि हमको ये देखना पसंद है, हम अपने आप को लेके इतना ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं ना, कि हमको लगता है कि हमारे पीछे सारी दुनिया भागेगी। क्यों भागेगी आपके पीछे पूरी दुनिया? क्यों आपका पार्टनर क्यों भागेगा? कोई कोई मुझे ऐसे भी सवाल करते, पहले तो भागती थी या फिर पहले तो भागता था। पहले जब हम कुछ भी नया होता है ना हमारे लाइफ में, तो पहले बहुत इंटरेस्ट रहता है सभी का, लेकिन बाद में वही चीज़ हमारे लिए ना एक बोरियत वाली चीज़ बन जाती है। तो आपके साथ भी सेम हुआ है, पहले आपका पार्टनर आपको लेके प्रायोरिटी देता था, अभी नहीं देता है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि उसको आपको लेके प्रायोरिटी देना ही देना है, तो ये तो फोर्स हो गया ना। हम किसी को यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम ट्राई कर सकते हैं। हम ये देखना अगर हमको है कि उस इंसान के लिए मैं कितना प्रायोरिटी में हूँ, इसको अगर आपको चेक करना है, तो आपको आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर सच में आप उसके लिए प्रायोरिटी में नहीं हो ना, तो आपका जो कमी है उसका एहसास उसको कभी नहीं होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।